Bismillahirrahmanirrahim, dear students, welcome to the lecture number 19 of control system. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 रूट लोकस टेक्निक्स. आज के लेक्चर के कंटेंट्स देख लेते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में कि आपके पास रूट लोकस क्यों यूज होता है, रूट लोकस चीज़ क्या है, फिर इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे. फिर आपके पास थर्ड जो पार्ट है आज के लेक्चर का है रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट लोसाई. इंट्रोडक्शन ऑफ रूट लोकस पे जाने से पहले अगर हम अपनी कुछ प्रीवियस चीज़ें डिस्कस कर लें, जिसमें हम लोगों ने स्टेबिलिटी में डिस्कस किया था कि अगर आपके पोल्स जो हैं वो लेफ्ट हाफ प्लेन पे हों तो आप कहते हैं आपका सिस्टम स्टेबल है. अगर आपका पोल राइट हाफ प्लेन पे आ जाए तो हम कहते हैं कि सिस्टम आपका अनस्टेबल है. तो अनस्टेबल सिस्टम को अगर हम लोगों ने स्टेबल करना हो तो हम कहते हैं कोई कंट्रोलर या कोई इस किस्म का मैकेनिज्म यूज़ करके हम उस सिस्टम को स्टेबल कर सकते थे. अब स्टेबल कर सकते से मुराद ये है कि बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पोल को जो राइट हाफ प्लेन पे था उसे हम लोग लेफ़्ट हाफ प्लेन की तरफ लेके आ रहे हैं. ऐसा ही है. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ ड्रा करूँ, मैं ये कहता हूँ ये मेरे पास एक एस प्लेन है, रियल पार्ट है, ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है. मेरा एक पोल जो कि यहाँ पे राइट हाफ प्लेन पे पड़ा हुआ है जिसकी वजह से मेरा सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है, मैं कोई कंट्रोलर या कोई मैकेनिज्म यूज़ करके इस पोल को उठा के यहाँ पर ले आता हूँ. ठीक है, तो ये मेरे पास सिस्टम क्या हो गया, अब मेरे पास ये सिस्टम स्टेबल हो गया. अब ये पोल यहाँ से इस लेफ्ट हाफ प्लेन पे कैसे आया. अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट कहता है कि जब मैंने गेन को वेरी किया कंट्रोलर के गेन को या किसी भी कोई भी सिस्टम जिसके थ्रू आप इस सिस्टम को स्टेबल कर रहे हो उसको वेरी किया तो ये पोल यहाँ से मूव करके यूँ आ गया जी, ऐसे इस पाथ को फॉलो करके आ गया. दूसरा स्टूडेंट कहता है जी, या कोई दूसरा बंदा कहता है नहीं आपके पास ये यूँ ऊपर से घूम के यहाँ पर आया. कोई तीसरा स्टूडेंट है वो कहता है नहीं जी ये यूँ आया. कोई और अगर किसी से पूछे तो वो कहेगा नहीं जी ये तो यूँ घूमता 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 यूँ आया. ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास रूट लोकस होता है ये आपको ये बता रहा होता है कि आपका पोल किस पाथ को फॉलो करेगा जब आपका गेन वेरी होगा. ठीक है, बेसिकली रूट लोकस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल मैथड इन विच रूट्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर प्लॉटेड इन एस प्लेन फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पैरामीटर. ठीक है, जैसे जैसे आप वैल्यूज को वैरी करते जाओगे रूट लोकस आपका ड्रा होकर आपको वो पाथ बताता जाएगा जिसके थ्रू आपका पोल मूव कर रहा है. तो बेसिकली ये रूट लोकस रिप्रेजेंट कर रहा होता है. इट इज़ अ पावरफुल टूल, इट इज़ अ पावरफुल मैथड फॉर एनालिसिस एंड डिज़ाइन फॉर स्टेबिलिटी एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स. द रूट लोकस कैन बी यूज टू डिस्क्राइब qualitatively the performance of the system as the various parameters have changed. Beside transient response, the root locus also give a graphical representation of system stability. जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर दिया कि कैसे सिस्टम की स्टेबिलिटी थी वो ग्राफिकली आपको बता रहा था कि उसकी स्टेबिलिटी कैसे चेंज हो रही है. ठीक है, वी कैन क्लियरली सी रेंजेस ऑफ स्टेबिलिटी, रेंजेस ऑफ इनस्टेबिलिटी एंड द कंडीशन दैट कॉजेज द सिस्टम टू ब्रेक इन टू ऑसिलेशंस. किस पॉइंट पे आपका सिस्टम अनस्टेबल होगा, किस पॉइंट या किस रेंज के अंदर आपका सिस्टम स्टेबल होगा, किस वैल्यू के ऊपर आपका सिस्टम मार्जिन स्टेबल होगा और वो ऑसिलेट करेगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको रूट लोकस प्रोवाइड करता है. अब हम डिस्कस करते हैं बेसिक जो कंसेप्ट है रूट लोकस का. ठीक है, उसके लिए हम एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं. कहते हैं ये मेरे पास एक सिस्टम है. ठीक है, RFS आपके पास इनपुट है, CFS आपके पास आउटपुट है, GFS आपके पास क्या है प्लांट है, और HFS या फीडबैक इसका क्या है यूनिटी फीडबैक सिस्टम है. तो GFS की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी, GFS इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय S इनटू S प्लस 2, HFS इज इक्वल टू 1. K बेसिकली आपके पास क्या है कंट्रोलर का गेन है. ठीक है, क्योंकि दोनों सीरीज में है तो हम लोग इसे इस तरह भी लिख सकते हैं S इंटू S प्लस 2 इंटू K. ठीक है, कि एक ब्लॉक आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल इस किस्म की सिचुएशन है तो ये आपके पास प्लांट है तो यहाँ पे पीछे आपके पास क्या है K लगा हुआ है. तो इन दोनों को सीरीज में तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर आपको ये टर्म दे देते हैं. ठीक है, तो यहाँ आपके पास GFS की वैल्यू क्या आ गई K डिवाइडेड बाय S इंटू S प्लस 2 और HFS की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है जो कि आपके पास फीडबैक. ठीक है, तो अगर हम लोग फीडबैक सिस्टम जो आपने फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ा था फीडबैक सिस्टम की अगर आप लोग रिलेशन को यूज़ करो तो आपके पास रिलेशन क्या आता था, फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन आपके पास आता था. ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू GFS डिवाइडेड बाय 1 प्लस GFS इंटू HFS. ठीक है, ये प्लस माइनस साइन के साथ होता था, ये आपके फीडबैक के ऊपर डिपेंड करता था कि नेगेटिव फीडबैक है या पॉजिटिव फीडबैक है. तो इस ट्रांसफर फंक्शन की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम उठा लेते हैं. ये आपके पास क्या आ गई, इसकी
करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास क्या आएगी, 1 प्लस जी एफ एस एच एफ एस इज इक्वल टू जीरो। इनमें जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास ये फाइनल करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी, एस स्क्वेयर प्लस टू एस प्लस के। ठीक हो गया। अब द रूट्स, अगर इस ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ये आपके पास बेसिकली क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब आप रूट्स ड्रॉ करोगे तो आपके पास रूट्स क्या आएंगे, एस वन इज इक्वल टू माइनस वन प्लस अंडर रूट वन माइनस के एंड एस टू इज इक्वल टू माइनस वन माइनस अंडर रूट वन माइनस के। अब आपके रूट्स को अगर हम देखें तो ये जो रूट्स हैं बेसिकली ये डिपेंड कर रहे हैं वैल्यू ऑफ के ऊपर। ठीक है, कि आपके पास जैसे जैसे के की वैल्यू, कि अब के बेसिकली क्या आपके पास गेन है, तो जैसे जैसे रूट्स आपके पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास रूट्स है ना, ये पोज आपके पास रूट्स हैं, तो जैसे जैसे मैं के की वैल्यू को चेंज करता जाऊंगा तो इन रूट्स की वैल्यूज चेंज होती जाएगी। ठीक है, अब वैल्यू जब चेंज होगी तो एक पोल अगर इस पॉइंट पे था तो वो इस पॉइंट पे तब ही आएगा जब आप के की वैल्यू को चेंज करोगे, क्योंकि अब ये आपके पास रूट की पोजीशन या पोल की पोजीशन डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, इस के की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जैसे जैसे आप के की वैल्यू को वैरी करते जाओगे आपके पोल्स की पोजीशन ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। ठीक है, पहले हम लोग जुबानी कहते थे ना कि आपका पोल वैल्यू चेंज कर रहा है, अब हम लोग मैथमेटिकली इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप के की वैल्यू को वैरी करते जाएंगे आपके पास एस वन और एस टू की वैल्यूज़ क्या होती जाएंगी, वैरी करती जाएंगी, और जैसे जैसे वो वैरी करती जाएंगी आपके पास सिस्टम क्या है, वो स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी या आपके पास वो मार्जिनली स्टेबल होता जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एस के इज वैरीड द टू रूट्स गिव द रूट लोसाई। जैसे जैसे आपके पास के की वैल्यू चेंज होती जाएगी आपके पास रूट लोकस बनता जाएगा। ठीक है, वो आपके पास पूरी की पूरी ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी कि किस किस पाथ से आपका पोल मूव करके स्टेबल हुआ या अनस्टेबल हुआ या मार्जिनली स्टेबल हुआ। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं के की डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, हम कहते हैं जी आपके पास जो के है उसकी वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है, तो जब के की वैल्यू को मैं यहाँ पे ज़ीरो पुट करूँगा एस वन में और एस टू में, तो मुझे एस वन की वैल्यू क्या मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी, और सॉरी एस ये एस टू है आपके पास बेसिकली। ठीक है, दिस वन इज एस टू, एस टू की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस टू। दीज आर आल्सो कॉल्ड एन ओपन लूप पोल्स। के ज़ीरो से मुराद क्या है, यहाँ आपके पास कोई कंट्रोलर कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी हुई जो उसे कंपनसेट कर रहा हो, तो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन क्या रह जाएगा, एस इन टू एस प्लस टू। तो यहाँ से अगर मैं पोल ड्रा करूँ तो मेरा एक पोल एस इज इक्वल टू जीरो पे पड़ा हुआ है और दूसरा पोल मेरा एस प्लस टू पे पड़ा हुआ है। तो बेसिकली ये सिचुएशन आ गई मेरे पास। ठीक है, एक पोल मेरा कहाँ पे पड़ा हुआ है, एक पोल मेरा जीरो पे पड़ा हुआ है, दूसरा पोल मेरा माइनस टू पे पड़ा हुआ है। तो जब आपके पास के की वैल्यू ज़ीरो थी तो बेसिकली आपके पास जो ट्रांसफर फंक्शन था उसके जहाँ पोल्स थे वहाँ आपने प्लॉट कर दिए, मतलब वो अपनी पोजिशन के ऊपर ही पड़े हुए हैं। अब हम इसी के ऊपर इन्हीं रूट्स के ऊपर दूसरा लॉ लगाते हैं, दूसरा लॉ से मतलब दूसरी रेंजेस लगा देते हैं। दूसरी क्या है, आपकी वैल्यू के की जीरो और वन के दरमियान अगर हो तो फिर क्या सिचुएशन आएगी, उस सूरत में आपके पास क्या सिचुएशन आती है, जब आप यहाँ पे जीरो और वन के दरमियान के की वैल्यू को पुट करते हैं तो आप कह सकते हैं वन के इज इक्वल टू जीरो, के सॉरी वन के इज इन बिटवीन जीरो एंड वन, द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल पार्ट होंगे लेकिन उनकी पोजिशन डिफरेंट होगी। तो आपके पास ये जो येलो हाइलाइटेड आपके पास नज़र आ रही है ये रेंज, बेसिकली जब के की वैल्यू जीरो और वन के दरमियान आप चेंज करेंगे तो ये पोल और ये पोल इस येलो लाइन जो हाइलाइटेड लाइन है इसके ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, आप इसकी वैल्यू को चेंज करके भी देख लें, 0.5 अगर पुट करेंगे तो ये टू यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, ये जीरो वाली वैल्यू यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी, यहाँ ऊपर नहीं आएंगे क्योंकि मैथमेटिक्स मुझे कह रही है कि ये आपके पास क्या होंगे, रियल पार्ट होगा और डिस्टिंक्ट होंगे, लेकिन रियल है। ठीक है, पोल्स आपके रियल होंगे, इनमें इमेजिनरी पार्ट कोई भी नहीं होगा। तो के की वैल्यू को जब जीरो और वन के दरमियान आप फ्लक्चुएट करेंगे तो वो इस येलो लाइन के ऊपर मूव करेंगे। अब हम क्या करते हैं, थर्ड वैल्यू ले लेते हैं के की थर्ड वैल्यू क्या है, हम कहते हैं के की वैल्यू आपने वन पुट कर दी। अब देखें, जैसे ही आप इसमें के की वैल्यू को वन पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे के की वैल्यू मैं वन पुट करूंगा तो ये टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, जीरो, ये टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, जीरो। तो एस वन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन, और एस टू की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, माइनस वन, दोनों की वैल्यू माइनस वन आ गई। तो इसका मतलब है कि अब मेरे पोल किस पोजीशन पे पहुंच रहा है, जैसे ही मैंने के की वैल्यू को वन किया तो ये वाला पोल जीरो वाला मूव करता हुआ इस माइनस वन के ऊपर आ गया। सिमिलरली आपके पास ये वाला पोल मूव करता हुआ माइनस टू वाला कहाँ पे आ गया, माइनस वन पे आ गया।
तो दोनों पोल्स की पोजीशन क्या आ गई, सेम पॉइंट पे आ गई, बट स्टिल दे आर अ रियल पॉइंट। ठीक है, ये देख सकते हैं आगे, रियल एंड इक्वल, माइनस वन पे आया, माइनस वन इज अ रियल पॉइंट। ठीक है, और दोनों इक्वल है, यानी एक ही पॉइंट के ऊपर दोनों के दोनों लाइक कर रहे हैं। ठीक है, जो थर्ड रेंज के केस में क्या हुआ, पहले जब जीरो थे तो वो यहाँ पे पड़ा हुआ था, ये पड़े हुए थे दोनों, जैसे ही आपने जीरो और वन के दरमियान वैल्यू रखी तो वो यहाँ से मूव करके इस तरफ आने लगा, ये इस तरफ आने लग गया। जैसे ही आपके पास k की वैल्यू को वन हुआ तो आपके पास पॉइंट कौन सा आ गया, ये पॉइंट आ गया, दोनों सेम पॉइंट पे आ गए। अब चौथे सिनेरियो हम क्या करते हैं, k की वैल्यू को ग्रेटर देन वन पुट करके देखते हैं कि आपके पास क्या सिचुएशन है। तो अब अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ मेरे पास चौथा सिनेरियो क्या है जी, चौथा सिनेरियो में आपसे कहता है कि वेन के इज ग्रेटर देन वन द रूट्स आर कम्प्लेक्स कंजुगेट विद द रियल पार्ट माइनस वन। अब अगर आप देखें इसी इक्वेशन को, रूट्स को, एस वन इज इक्वल टू माइनस वन प्लस अंडर रूट वन माइनस के, अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी तो ये पार्ट आपके पास क्या आएगा, कम्प्लेक्स आएगा। ठीक है, कम्प्लेक्स आएगा। अगर यहाँ पे मैं देखूँ एस टू इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन माइनस के, तो ये पार्ट आपके पास क्या आएगा, कम्प्लेक्स आएगा। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट माइनस वन और ये पॉइंट माइनस वन रियल होगा और दोनों का सेम आ रहा है, दोनों इस केस में भी आपके पास माइनस वन आ रहा है और इस केस में भी आपके पास क्या आ रहा है, माइनस वन आ रहा है। तो इस सिचुएशन में आपके पास क्या होगा, आपका ये एक पोल, ठीक है, ये वाला जो पोल है या कोई भी एक पोल इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा होगा और दूसरा पोल इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रहा होगा, क्योंकि एक का क्या है, माइनस वन माइनस कम्प्लेक्स पार्ट और दूसरा क्या है, माइनस वन प्लस कम्प्लेक्स पार्ट। तो ये जियो मेगा अगर एक्सिस है तो ये ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव है और नीचे वाली साइड पे आपके पास क्या है, माइनस है। तो जिस पोल की वैल्यू माइनस में आएगी वो नीचे की तरफ चला जाएगा, जिस पोल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये क्या करेंगे, इस येलो लाइन को फॉलो करेंगे। तो हमने क्या किया, बेसिकली चार वैल्यूज ले ली, ठीक है, चार वैल्यूज ली, उन चार वैल्यूज को हम लोगों ने एनालाइज किया। हमने कहा कि के की वैल्यूज है आपके पास, के की वैल्यू वैरी कर सकती है, क्योंकि जिस रूम में हमें बता दिया ना कि आपके पास वो डिपेंड कर रहा है के की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, आपकी जो रूट्स की वैल्यूज हैं ये यहाँ से अगर आप देख भी सकते हैं, तो आपके पास जो रूट की पोजीशन है वो के की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो हमने के को क्या किया, डिवाइड कर दिया चार हिस्सों में। चार हिस्से क्या थे, कि मैंने कहा के की वैल्यू को जीरो है, यानी के कोई गेन लगा ही नहीं हुआ उसके अंदर। दूसरा मैंने कह दिया के की वैल्यू हम वैरी करते हैं जीरो और वन के दरमियान। तीसरा हमने कह दिया के की वैल्यू को इक्वल टू वन पुट करके देखते हैं। चौथा मैंने कह दिया के की वैल्यू को ग्रेटर देन वन पुट करके देखते हैं। तो उससे हम लोगों ने क्या किया, इंडिविजुअल एनालाइज किया कि जब के की वैल्यू जीरो थी तो क्या हुआ, वन और जीरो के दरमियान क्या हुआ, इक्वल टू वन पे क्या हुआ, और वन के इज ग्रेटर देन वन तो क्या हुआ। तो अब इस चीज़ को हम समराइज करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि आपके पास वन के इज इक्वल टू जीरो द टू ब्रांचेज ऑफ द रूट लोकस स्टार्ट फ्रॉम एस इज इक्वल टू जीरो एंड एस इज इक्वल टू माइनस टू, जो आपके पास ओपन लूप के पोल थे जहाँ जहाँ पड़े हुए थे वहाँ से हमने स्टार्ट किया। फिर हम कहते हैं वन के इज इक्वल टू वन बोथ रूट्स मीट एट एस इज इक्वल टू माइनस वन, ये भी हम लोगों ने प्रीवियसली देख लिया। फिर हमने कहा वेन के इज ग्रेटर देन वन द रूट्स ब्रेक अवे फ्रॉम द रियल एक्सिस एंड बिकम कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैविंग नेगेटिव रियल पार्ट विच इज इक्वल टू माइनस वन। तो जैसे मैं विजुलाइज करूँ तो ये सिचुएशन मेरे पास बन गई। ठीक है, तो जैसे जैसे अब इस पॉइंट पे क्या है आपके पास, ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपके पास के की वैल्यू क्या है, जीरो है। ये जो पॉइंट है, जो माइनस वन वाला पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास के की वैल्यू क्या है, वन है। इसमें ये जो सेंटर में जो पॉइंट आपके पास आता है, यहाँ आपके पास के की वैल्यू बेसिकली, सॉरी, के की वैल्यू आपके पास क्या आती है, ये वैल्यू आती है। और ये जो टॉप पोजीशन या ये जो वैल्यू है, यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन वन। तो अब आपको आइडिया हो गया कि जैसे जैसे आप इसकी वैल्यूज को चेंज करोगे तो आपके पोल्स क्या हो रहे होंगे, मूव कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है आपके पास रूट लोकस का, जो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए के लिए ये सारा कुछ किया, कि आपके पास के की वैल्यू को जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे आपके पोल्स उस हिसाब से मूव करते जाएंगे। और ये आप ग्राफिकली इस तरह से देख रहे हैं, ये आप लोग एक एक वैल्यूज पुट करोगे, 0.1, 0.2, 0.3, तो वो आपके पास एक कंटिन्यूस फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, वो कहीं पर ब्रेक नहीं है। तो जैसे जैसे आप के की वैल्यू को चेंज कर रहे हो, आपके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है, किसकी, आपके पोल की मूवमेंट की। अगर मैं इसी फिगर को देखूं, ये जो मैंने ये डायग्राम आपके पास बनाई है, इसको देखें, तो यहाँ पे आपके पास ये क्या है, ये बेसिकली आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि आपके पोल्स कैसे मूव करके इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं या इन्फिनिटी से आ रहे हैं, किस किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, वो अब आपको ये ग्राफ या ये रूट लोकस आपको सिस्टम का बता रही है। ये बेसिकली आपके पास उस सिस्टम का
रूट लोकस है जो हम लोग ने एग्जांपल ली थी। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट लोकस, ठीक है, कि आपके पास कौन कौन से रूल्स हैं रूट लोकस को ड्रा करने के लिए। प्रीवियसली जो हम लोगों ने देखा वो सिंपल, हम लोगों ने एक एग्जांपल देखी रूट्स को कैसे मूव किया जाता है। अब रूट लोकस ड्रा करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला रूल आपके पास क्या कहता है, कहता है रूट लोकस इज सिमेट्रिक अबाउट द रियल एक्सिस। इट मीन्स अगर आपके पास ये एस प्लेन है ना, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, आपने जितनी भी कैलकुलेशंस करनी है या तो इस पोर्शन के लिए करनी है या फिर इस पोर्शन के लिए करनी है। सिमेट्रिक अबाउट रियल एक्सिस से मुराद क्या है, अगर मेरे पास रूट लोकस यहाँ पे इस किस्म का बनता है तो यहाँ पे इसके बिल्कुल अपोजिट दूसरी तरह का बन जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इस तरह से अगर मैं बना दूँ, अगर यहाँ पे मैं रूट लोकस ड्रा करता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरे पास रूट लोकस यहाँ पे ये बना, तो सिमेट्रिक अबाउट रियल एक्सिस से मुराद क्या है कि आपके पास ये नीचे ऑटोमेटिकली इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो रूट लोकस आपके पास क्या होता है, रियल एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक होता है। तो आपने जो कैलकुलेशन करनी है वो डबल कैलकुलेशन नहीं करनी, आपने इस पोर्शन के लिए कैलकुलेशन करनी है तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला पोर्शन उसकी रेप्लिका हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका पहला रूल है कि आपके पास जो रूट लोकस है इट इज़ बेसिकली सिमेट्रिक अबाउट रियल एक्सिस, नॉट इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। ये आपके पास रियल एक्सिस होता है ओमेगा एक्सिस, इसके अगेंस्ट हो गया आपके पास सिमेट्रिक है। सेकेंड रूल में कहता है कि रूट लोकस ए स्टार्ट फ्रॉम एन ओपन लूप पोल विद के इज इक्वल टू जीरो एंड टर्मिनेट्स एट के इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आपके पास रूट लोकस स्टार्ट होगा व्हेन के इज इक्वल टू जीरो। आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि आपके पास ये ओपन लूप पोल थे यहाँ पे पड़े हुए, उस वक्त हमने क्या कहा था, ये के की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू जीरो। और फिर आपने देखा कि वो जो पोल्स आपके पास आए थे वो इस तरह से यहाँ से ऊपर चला गया और यहाँ से नीचे चला गया, क्या वैल्यू थी, के इज इक्वल टू ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन तो कहाँ तक जाएगा, ये आपके पास इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आपका रूट लोकस स्टार्ट कहाँ से होता है, हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम वैल्यू पे जाके वो टर्मिनेट हो जाएगा। बेसिकली आपके पास जो रूट लोकस होता है ये पेयर बना रहा होता है, हर पोल के अगेंस्ट एक जीरो पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये पोल्स क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली ये पोल्स उन जीरोज की तरफ जा रहे होते हैं, अपने जीरोज को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसमें दो किस्म के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एक आपके पास होता है फाइनाइट और एक होता है आपके पास इनफाइनाइट। फाइनाइट आपके पास क्या है, फाइनाइट जीरोज या फाइनाइट पोल्स क्या होते हैं, जो आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन होता है उसके अंदर जो पोल्स पड़े हुए होते हैं या जो जीरोज पड़े हुए होते हैं, जो आप देख रहे होते हैं, जो आपको नज़र आ रहे होते हैं, बेसिकली वो क्या होते हैं, वो फाइनाइट जीरोज और फाइनाइट पोल्स होते हैं। प्रीवियस एग्जांपल को अगर मैं लूँ, 1/s (s+2), तो इसके अंदर मैं अगर आपसे कहूँ कि फाइनाइट जीरोज और फाइनाइट पोल फाइंड आउट करें, तो आपके पास यहाँ पर जीरोज कितने हैं, कोई भी जीरो नहीं है। इसका मतलब आपके पास फाइनाइट जीरोज कितने हैं, जीरो। आपके पास फाइनाइट पोल्स कितने हैं, एक पोल ये पड़ा हुआ है, एक पोल ये पड़ा हुआ है, तो आपके पास दो फाइनाइट पोल्स हैं, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि जितने पोल्स होते हैं इनके जीरोज भी होते हैं, ठीक है, जीरोज भी इनका पेयर मौजूद होता है। अगर तो यहाँ पे मेरे पास इस पॉइंट के ऊपर कोई वैल्यू होती, फॉर एग्जांपल मैं कहता एस प्लस वन, अब मेरे पास फाइनाइट जीरोज कितने हैं, मेरे पास एक फाइनाइट जीरो है और दो फाइनाइट पोल्स हैं। तो अगर मैं पेयर्स की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास कि इन दोनों में से किसी एक जीरो का पेयर, इसकी जीरो किसी एक पोल का पेयर तो यहाँ पे मौजूद है लेकिन दूसरे का पेयर मौजूद नहीं है। तो जिसका पेयर मौजूद नहीं होगा उसको मैं कहूँगा कि इसका पेयर इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रीवियस एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मेरे पास वन है, अब मेरे पास फाइनाइट जीरोज कितने हैं, कोई भी फाइनाइट जीरोज नहीं है, लेकिन मेरे पास दो फाइनाइट पोल्स पड़े हुए हैं, इन दो फाइनाइट पोल्स के जो पेयर हैं यानी दो जीरोज जो हैं वो इन्फिनिटी पे कहीं पड़े हुए हैं, मैं अज्यूम करता हूँ इन्फिनिटी पे पड़े हुए हैं। वो जो इन्फिनिटी पे पड़े हुए दो पोल्स हैं उन्हें मैं कहता हूँ ये मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट जीरोज। अब क्या होगा, मेरे ये पोल और ये पोल अपने पेयर को लेने के लिए इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, ठीक है, उस जीरो को लेने के लिए इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। अब इन्फिनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं कि के आपका टर्मिनेट होता है इन्फिनिटी के ऊपर। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास उसके पेयर यहाँ पे मौजूद होते, मैं आपको यहाँ ग्राफिकल भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक पोल है, एक पोल मेरे पास ये है, ये एक जीरो है, दूसरा जीरो ये है, ठीक है। अब इस केस में मेरे पास दो फाइनाइट पोल्स हैं, दो फाइनाइट जीरोज हैं, फाइनाइट पोल फाइनाइट जीरो की अगर आपको समझ आ गई है कि जो चीज़ें ट्रांसफर फंक्शन के अंदर गिवन होती हैं वो बेसिकली फाइनाइट हैं, अगर
उनके पेयर मौजूद नहीं है तो उन्हें हम एज्यूम करते हैं वो इन्फिनिटी पे पड़े हुए हैं। अगर जीरो के पेयर नहीं है तो हम कहेंगे जीरो जो पोल्स हैं वो इन्फिनिटी पे पड़े हुए हैं, वो इनफाइनाइट पोल्स हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास पोल्स फाइनाइट हैं लेकिन उनके जीरोज इन्फिनिटी पे पड़े हुए हैं, तो वो जो जीरोज इन्फिनिटी पे पड़े हुए हैं वो इनफाइनाइट जीरोज पड़े हुए हैं। अगर सारा कुछ आपके पास गिवन है, दो पोल्स हैं तो दो पोल्स के आपके पास दो पेयर होने चाहिए, यानी दो जीरोज होने चाहिए, तो दो जीरोज भी आपको गिवन है। तो इस केस में आपके पास फाइनाइट पोल्स और फाइनाइट जीरोज मौजूद हैं, तो क्या होगा, ये पोल इस जीरो को अप्रोच कर लेगा, ये पोल इस जीरो को अप्रोच कर लेगा। अब के की कोई खास वैल्यू होगी जिस पे इसको ये अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी अब नहीं होगी। तो क्या होगा, आपका स्टार्ट तो जीरो से होगा लेकिन कहाँ तक जाएगा, जब तक ये पोल या ये जीरो अपने पेयर को अचीव नहीं कर लेते। अगर तो पेयर फाइनाइट हैं तो वो तो किसी वैल्यू पे अचीव कर लेंगे, अगर इनफाइनाइट हैं तो आपके पास वो के इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाके, हम एज्यूम करते हैं कि क्या जी के की वैल्यू इन्फिनिटी हुई तो वो जाके उसको अचीव कर लेंगे। तो इससे आपको फाइनाइट पोल्स और फाइनाइट जीरो का होपफुली कंसेप्ट हो गया होगा। अब इसी प्रीवियस चीज़ को ये रिपीट करा कि रूट थर्ड रूल आपके पास क्या है, रूट लॉकस विल टर्मिनेट ऑन एन ओपन लूप जीरो और एन इन्फिनिटी विद के इज इक्वल टू इन्फिनिटी। वही बात हुई, अगर आपके पास फाइनाइट पोल मौजूद है, ठीक है, ये फाइनाइट पोल का फाइनाइट जीरो मौजूद है, फिर तो वो ओपन लूप के जीरो के ऊपर जाके टर्मिनेट हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर आपकी के इज इक्वल टू, आप एज्यूम करते हैं कि जब के की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो ये इसको अचीव कर लेगा। यानी या फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये एक पोल पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका जीरो अभी नहीं है, ये मेरे पास ये सिचुएशन है, ठीक है, इसका जीरो नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि जी जब मैं इसका रूट लॉग ड्रा करूँगा तो मैं कहूँगा कि ये जो पोल है ये कहीं पे इन्फिनिटी पे जाके अपने उसको जीरो को अचीव कर लेगा। तो इस तरह के मैं, ये मेरे पास बेसिकली रूट लॉकस बन गया सिस्टम का। लेकिन अगर इसका जीरो यहाँ पे मौजूद है तो फिर मैं कहूँगा कि ये जो पोल है ये यहाँ से आके इसने इसको अचीव कर लिया किसी के की किसी खास वैल्यू के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रूट लोकस यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। अगर नहीं है तो मेरा रूट लोकस इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट होगा। रूल नंबर फोर, आपके पास ब्रांचेस, ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस कितनी है, ठीक है, तो ब्रांचेस को हम बेसिकली एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। हम कहते हैं एफ एन इज द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस, पी इज नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स एंड जेड इज द नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोज। फाइनाइट पोल और फाइनाइट जीरो से मुराद क्या है, ये जो ट्रांसफर फंक्शन के अंदर गिवन है। तो अगर पोल की तादाद जीरो से ज़्यादा हुई तो नंबर ऑफ ब्रांचेस किसके इक्वल हो जाएंगी, पोल्स के इक्वल हो जाएंगी। अगर नंबर ऑफ जीरोज जो हैं वो पोल से ग्रेटर हैं तो आपके पास नंबर ऑफ ब्रांचेस किसके इक्वल हो जाएंगी, जितने आपके पास जीरोज हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ पोल इक्वल हो गए तो आप किसी एक के इक्वल इनको ले सकते हैं। इससे मुराद क्या है, अगर मैं प्रीवियस एग्जाम्पल को ही कोट करूँ, 1/s(s+2), तो इसमें नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स कितने हैं जी, आपके पास दो नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स हैं, और नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोज कितने हैं, कोई भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब, पोल इज ग्रेटर देन जीरो तो आपके पास नंबर ऑफ ब्रांचेस किसके इक्वल हो जाएंगी, पोल्स के इक्वल हो जाएंगी। यानी एन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। यानी इसके रूट लोकस के अंदर सिर्फ दो ब्रांचेज होंगी, ठीक है। अगर आप रूट लोकस ड्रा करते हैं और तीन ब्रांचेज आ जाती हैं या एक ब्रांच आ जाती है तो ये आपको वेरीफाई करके बताएगा कि आपने रूट लोकस ठीक बनाया या गलत बनाया। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, आपके पास रूट लोकस रियल एक्सिस पे कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ये वो पॉइंट होंगे जहाँ आपके पोल या जीरो मूव कर सकते हैं। इन पॉइंट्स के अलावा रूट लोकस के अंदर रियल एक्सिस के ऊपर आपका पोल कहीं पे भी मूव नहीं करेगा। ये क्या है, एनी पॉइंट ऑन द रियल एक्सिस इज अ पार्ट ऑफ द रूट लोकस इफ एंड ओनली इफ द नंबर ऑफ पोल एंड जीरोस टू इट्स राइट इज ऑड। ये वो मेथड है फाइंड आउट करने के लिए कि आपके पास रूट लोकस रियल एक्सिस पे कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा। इसलिए मैं सिंपली एक चीज बनाता हूँ आपके सामने कि ये मेरे पास एक रियल एक्सिस है, ठीक है, एक पोल मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक जीरो मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक पोल है, ये जीरो है, ये कम्प्लेक्स पोल है, यहाँ पे कम्प्लेक्स जीरो है, ठीक है। ये सिचुएशन आई, ये मुझे ट्रांसफर फंक्शन से पता लगा कि मेरे पोल्स और जीरोज कहाँ पे पड़े होंगे। अब जब मैंने रूट लोकस फाइंड आउट करना है रियल एक्सिस के ऊपर तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरे राइट मोस्ट से मुराद कि इस साइड पे कौन सी पोजीशन पे पोल या जीरो पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं तो यहाँ पे मेरे पास राइट मोस्ट कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, ये एक पोल पड़ा हुआ है, इस पोल के ऊपर मैं आगे खड़ा हो जाऊँगा। यहाँ से मैं राइट साइड पे देखूंगा कि मेरे पास कितने पोल्स और कितने जीरो हैं,
क्योंकि मैं ऑटोमेटिकली उस पोजीशन पे खड़ा हूँ जो कि राइट मोस्ट है। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास इस तरफ कोई पोल मौजूद नहीं है, तो कोई पोल मौजूद नहीं है तो मतलब ज़ीरो पोल या ज़ीरो मेरे पास ज़ीरो है। ये हिस्सा जो आपके पास है ये बेसिकली रूट लॉकस के अंदर शामिल नहीं है। जिसमें ब्लैक कर रहा हूँ वो रूट लॉकस के अंदर शामिल नहीं होगा। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ अब मैं उठ के आ गया जी इससे प्रीवियस पोल या ज़ीरो के ऊपर, तो यहाँ पे ज़ीरो पड़ा हुआ है तो मैं ज़ीरो के ऊपर आके खड़ा हो जाऊँगा। अब मैं राइट साइड पे काउंट करूँगा कि मेरे पास कितने पोल और कितने ज़ीरोज़ मौजूद हैं। तो अगर मैं काउंट करूँ तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक पोल पड़ा हुआ है। तो एक आपके पास क्या है, आड नंबर है। आड नंबर से मुराद क्या होगी कि आड नंबर है तो उसका मतलब है कि इस ज़ीरो से लेकर इस पोल तक का जितना रीजन है वो सारा का सारा रूट लॉकस के अंदर शामिल है। ये जो ग्रीन मैंने लगाया ये रूट लॉकस के अंदर शामिल होगा। यानी ये जो पोल है मेरे पास, ये वाला और ये ज़ीरो, ये इस ग्रीन लाइन के ऊपर मूव कर सकते हैं। ये पोल इस तरफ मूव नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये ब्लैक लाइन है। जहाँ पे ब्लैक लाइन होगी वो रूट लॉकस के अंदर शामिल नहीं होगा। इस ज़ीरो का काम ख़त्म हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इससे थोड़ा सा एक स्टेप और पीछे आ जाता हूँ। जब मैं पीछे आया तो मेरे पास ये एक पोल पड़ा हुआ था रियल एक्सिस के ऊपर। मैं सिर्फ रियल एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये रियल एक्सिस की बात कर रहा हूँ। तो रियल एक्सिस में मेरे पास सिर्फ एक पोल पड़ा हुआ था। यहाँ से राइट साइड पर अगर मैं काउंट करूँ तो मेरे पास क्या है, एक ज़ीरो है, एक पोल है। तो 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2, 2 इज़ एन इवन नंबर। तो ये हुआ कि इस पोल से इस ज़ीरो के दरमियान जितना भी हिस्सा है वो रूट लॉकस के अंदर शामिल नहीं है। तो इससे मुराद क्या हुई कि चाहे कुछ भी हो जाए ये ज़ीरो इस तरफ नहीं आ सकता और ये पोल इस तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि ये हिस्सा रूट लॉकस के अंदर शामिल ही नहीं है। जब शामिल नहीं है तो ये पोल और ये ज़ीरो इसके ऊपर मूव नहीं कर सकते। वो सिर्फ ये इस ग्रीन लाइन, जहाँ जहाँ ग्रीन लाइन है मैं ड्रा कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे वो मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इससे एक स्टेप और मैं पीछे आ जाता हूँ। जब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास फिर एक पोल पड़ा हुआ है। अब यहाँ से मैं राइट साइड पे काउंट करता हूँ कितने हैं, 1, 2, 3। 3 इज़ अ ऑड नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये पोर्शन रूट लॉकस के अंदर शामिल है। ठीक हो गया। अब इससे मैं थोड़ा सा पीछे आऊँ तो ये देखें कम्प्लेक्स ज़ीरोज़ पड़े हुए हैं यहाँ पे। मेरा कंसर्न कम्प्लेक्स ज़ीरोज़ या कम्प्लेक्स पोल्स के साथ नहीं है। मैंने सिर्फ देखना है कि रियल एक्सिस के ऊपर कहाँ पे पोल्स और कहाँ पे ज़ीरो पड़े हैं। यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास क्या है, ज़ीरो पड़ा हुआ है। तो इससे अगर मैं राइट साइड पर काउंट करूँ तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4। 4 इज़ अ इवन नंबर। इससे मुराद क्या हुई कि मेरे पास ये जो रीजन है ये रूट लॉकस के अंदर शामिल नहीं है। सिर्फ वो रीजन शामिल होगा जो आर्ड होगा, ठीक है, जो नंबर आपके पास आर्ड आएगा उसके अलावा वो शामिल नहीं होगा। इससे थोड़ा सा मैं पीछे आऊँ तो ये मेरे पास कम्प्लेक्स पड़े हुए हैं। कम्प्लेक्स के साथ मेरा लेना देना ही कुछ नहीं है। अब ये जो ज़ीरो था ये काउंट में नहीं आया, तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि मैं इन्फिनिटी पे खड़ा हूँ और यहाँ से राइट साइड पे काउंट कर रहा हूँ। जब मैं राइट साइड पे काउंट करूँगा तो मेरे पास कितने पोल्स और कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 आपके पास क्या है, 5 इज़ एन ऑड नंबर। इसका मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी से ले के इस ज़ीरो तक जितना रीजन है वो सारा का सारा रूट लॉकस के अंदर शामिल है। ठीक हो गया। अब इस सारी चीज़ों से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि मेरे पास ये जो पोल और ज़ीरो हैं ये इस ग्रीन लाइन के ऊपर मूव कर सकते हैं, ये दो पोल इस ग्रीन लाइन के ऊपर मूव कर सकते हैं, ये ज़ीरो सिर्फ इस ग्रीन लाइन के ऊपर मूव कर सकता है। मतलब आपके पास ये ज़ीरो इधर नहीं आ सकता, ये पोल इधर नहीं आ सकता। हर एक को अपनी रेंज डिफाइन कर दी गई है, ठीक है। यहाँ यहाँ पे ब्लू एरो दिखाए हुए, यहाँ पे आपके पास ये कोई पोल और कोई ज़ीरो मूव नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली आपको रीजन बता रहा होता है कि आपने रियल एक्सिस पे फाइंड आउट कैसे करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मेरे पास मेरे घर में ये मिटाई दी मैंने, चले यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और पोल होता या कोई ज़ीरो होता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता, अब मेरे पास ये हिस्सा रूट लॉकस के अंदर शामिल होता, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इसको काउंट करूँगा, ये अगर अभी मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ ना, इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, यहाँ से काउंट करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब ये हिस्सा मेरे पास रूट लॉकस के अंदर शामिल होगा। अब अगर मैं इन्फिनिटी पे जाके काउंट करता हूँ, इन्फिनिटी से जब मैं काउंट करूँगा तो मेरे पास काउंट क्या आएगा, तेरे इसको मैं बना देता हूँ, मेरे पास काउंट क्या आएगा, मेरे पास काउंट आया 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से इस तरफ मेरे पास ये हिस्सा जो है
ये रूट लॉकर्स के अंदर शामिल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड आउट करोगे कि रियल एक्सिस के ऊपर आपका रूट लॉकर्स कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है। याद रहे, कम्प्लेक्स पोल्स, कम्प्लेक्स जीरोज के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम रियल एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो रियल एक्सिस के ऊपर जो पोल और जीरोज पड़े होंगे हम उनको काउंट करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं रूल सिक्स के ऊपर। रूल सिक्स कहता है कि आपने फाइंड आउट करना है एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स बेसिकली क्या है, द ब्रांचेस ऑफ रूट लॉकर्स टेंड टू, ये टेंड है, टेंड टू इन्फिनिटी अलॉन्ग अ सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन कॉल्ड एसिम्प्टोट्स। बेसिकली आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा एसिम्प्टोट्स आपके पास स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही होती हैं। ये वो ब्रांचेस होंगी जो आपके पोल अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहे होंगे तो उनको वो रास्ता बताएंगे कि आपने इस रास्ते से होके इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करना है। ठीक है, दीज एसिम्प्टोट्स मेक एन एंगल विद द रियल एक्सिस एंड इज गिवन बाय, इनका रिलेशन क्या होगा, फाइ इज इक्वल टू फाइ एंगल आपके पास एसिम्प्टोट का, 2k प्लस 1 इंटू 180 डिवाइड बाई पी माइनस जी, पोल माइनस जीरो। अगर पोल, ये बेसिकली नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरो, 3 पोल माइनस 2 वो जीरो जितना भी हुआ, वेर k इज इक्वल टू 0 1 2 डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ n। अब n के आपके पास नंबर ऑफ ब्रांचेज है, अगर आपके पास नंबर ऑफ ब्रांचेज 2 हैं तो आपके पास k की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 एंड 1। अगर आपके पास n की वैल्यू 3 है तो k की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 1 और 2। अगर आपके पास n की वैल्यू 6 है तो k की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 1 2 3 4 एंड 5। जितनी आपके पास ब्रांचेज होंगी उतनी ही आपके पास एंगल्स आएंगे। अब k की वैल्यू को यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो आपके पास एंगल 1 आ जाएगा, अगर आप k की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो आपके पास एंगल 2 आ जाएगा, और k की वैल्यू को आप जब 2 पुट करोगे तो यहाँ आपके पास एंगल 3 आ जाएगा। तो जितनी k की वैल्यूज होंगी उस हिसाब से आपके पास ये एंगल्स आते जाएंगे। ठीक है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 16 डिग्री, उस हिसाब से आपके पास डिफरेंट एंगल्स आते जाएंगे। अब आपके पास जब एंगल्स आ गए तो रूल नंबर 7 आपके पास कहता है कि आपने फाइंड आउट करना है सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्प्टोट्स। सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या है आपके पास, बेसिकली ये वो पॉइंट है रियल एक्सिस पे जहाँ पे आपने अपना प्रोटेक्टर रख के वो एंगल्स ड्रा करने हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं, ये आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ एसिम्प्टोट्स या सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्प्टोट्स। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्प्टोट विद रियल एक्सिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ एसिम्प्टोट्स। याद रहे, ये पॉइंट हमेशा आपके पास रियल पार्ट आएगा, इसमें कोई कम्प्लेक्स पार्ट नहीं होगा। जैसे हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये आपके पास इक्वल होता है सिग्मा ए इज इक्वल टू सम ऑफ पोजिशन ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ पोजिशन ऑफ जीरोज डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरो। अगर हम वो पुरानी प्रीवियस एग्जाम्पल कोई काउंट कोट करें तो उसका अगर मैं एसिम्प्टोट्स निकालूँ तो मैं सेंटर ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालूँ तो मैं कैसे एसिम्प्टोट्स निकालूंगा, सिग्मा ए इज इक्वल टू सम ऑफ पोजिशन ऑफ पोल्स, एक पोजिशन क्या है, जीरो है, दूसरी पोजिशन क्या है, माइनस टू, माइनस जीरोज कितने हैं, कुछ भी नहीं है तो जीरो हो गए, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, टू, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, जीरो। तो ये आपके पास सिग्मा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू डिवाइड बाई टू, ये आपके पास आ जाएगा माइनस वन। तो सिग्मा ए इज इक्वल टू माइनस वन। तो अब आपने क्या करना है, आपने रियल एक्सिस पे देखना है कि माइनस वन किस पॉइंट पे आपने डिफाइन किया हुआ है। अगर मैं इसको देखूँ तो मैं कहता हूँ ये मेरे पास रियल एक्सिस है, ये मेरे पास इमेजिनरी एक्सिस है, ये मेरे पास पॉइंट है जो क्या है माइनस वन। अब आपने अपना प्रोटेक्टर यहाँ पे रखना है और जो आपके पास एंगल आए थे आपने उन एंगल्स को ड्रॉ कर देना है। तो ये आपके पास बेसिकली माइनस वन क्या है, ये सेंटर ऑफ एसिम्प्टोट आ गया। ठीक हो गया, देखे थे वही रूल्स जो बाकी रह गए उनको हम लोग आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। 7 रूल्स हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए थे, अब हम आते हैं रूल नंबर 8 के ऊपर। रूल नंबर 8 कहता है कि आपने एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल फाइंड आउट करना है। अब इससे प्रीवियस जितने 7 के 7 रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे वो सारे के सारे हमने रियल एक्सिस के ऊपर जितने पोल्स और जितने जीरोज वगैरह पड़े हुए थे हमने सारे उनको देख के उनके साथ डील किया था कि आपके पास जीरोज कितने हैं, आपके पास पोल्स कितने हैं रियल एक्सिस के ऊपर। अगर आपको प्रीवियस याद हो तो हमारे पास जब हम लोग रियल एक्सिस पे रूट लॉकर्स फाइंड आउट कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि आपके पास अगर कम्प्लेक्स पोल्स या कम्प्लेक्स जीरोज आ जाते थे तो हम इनके साथ कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम इनको इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, हम लोग सिर्फ सारा का सारा रियल एक्सिस के ऊपर देख रहे थे। अब हम बात करते हैं कि एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल क्या है। बेसिकली आपके पास जब ओपन लूप सिस्टम के पोल्स में कम्प्लेक्स पोल्स आ जाएं, ठीक है, और ये कम्प्लेक्स पोल्स हैं, ये डेफिनेटली फाइनाइट पोल्स होंगे, इनके जो जीरोज होंगे हम ये एज्यूम करते हैं वो कहाँ पे पड़े हुए हैं, वो इन्फिनिटी के ऊपर पड़े हुए हैं। अब अगर वो इन्फिनिटी पे पड़े हुए हैं तो हम कह सकते हैं वो आपके पास इनफाइनाइट जीरोज हैं। तो जैसे ही आप के का गेन वेरी करेंगे
जीरो से वेरी करेंगे तो ये जो पोल्स हैं ये अपने जीरोस को अप्रोच करने के लिए इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। अब डेफिनेटली वो किसी एंगल से यहाँ से लीव करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एक्सेस बना दूँ तो अब ये जो पोल आपके पास पोल नंबर वन है ये किसी एक एंगल के साथ यहाँ से जाएगा अपने पोल्स की तरफ। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास ये 45 डिग्री एंगल था, अब आपका पोल क्या होगा, जैसे ही आप गेंद को वेरी करेंगे तो ये 45 डिग्री एंगल से लीव करके इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और इसे जो रास्ता है वो कौन बताएगा, वो आपके पास जो एसिम्प्टोट्स हैं वो इसको डायरेक्शन बताएंगे कि आपने किस डायरेक्शन को फॉलो करके इन्फिनिटी की तरफ जाना है। अब जब आपके पास कम्प्लेक्स पोल आ जाएँ तो पोल्स लीव करेंगे एक्सिस को, यानी यहाँ से निकल रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ये आपके पास क्या होगा, जो एंगल आएगा वो बेसिकली क्या होगा, एंगल ऑफ डिपार्चर, ठीक है, निकल रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि हमारे पास कम्प्लेक्स जीरोस पड़े हुए हैं आपके पास, और ये कम्प्लेक्स जीरो आपके पास क्या है, फाइनाइट जीरोस हैं, अगर इनके फाइनाइट पोल्स मौजूद नहीं है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि इनके पोल्स इन्फिनिटी के ऊपर पड़े हुए हैं। तो ये जब पेयर कंप्लीट करने का होगा, जैसे ही आप के की वैल्यू को चेंज करोगे तो पोल्स डेफिनेटली मूव कर रहे हैं, जीरोस अपनी पोजिशन पर हैं, तो वो जो पोल इन्फिनिटी पे पड़े हुए हैं वो जीरो की तरफ आएंगे। अब वो जब आएंगे तो वो किसी ख़ास एंगल से आएंगे, जब वो किसी ख़ास एंगल से आएंगे तो वो आपके पास वो जो एंगल होगा वो आपके पास बेसिकली एंगल ऑफ अराइवल कहलाएगा। अब आपने जब रूट लोकस में एंगल ऑफ डिपार्चर या एंगल ऑफ अराइवल फाइंड आउट करना होगा तो आपने सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि आपके पास कम्प्लेक्स पोल्स हैं या आपके पास कम्प्लेक्स जीरोज़ हैं। अगर तो आपके पास कम्प्लेक्स पोल्स हैं तो फिर आपके पास जो एंगल आएगा वो आएगा एंगल ऑफ डिपार्चर, अगर आपके पास कम्प्लेक्स जीरोज़ हैं तो उस केस में आपके पास जो एंगल आएगा वो होगा एंगल ऑफ अराइवल। अब एंगल ऑफ अराइवल या एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए एंगल ऑफ डिपार्चर ऑफ द रूट लोकस फ्रॉम अ कम्प्लेक्स पोल इज गिवन बाय फाइव डी इज इक्वल टू 185 डी। बेसिकली आपके पास क्या है, एंगल ऑफ डिपार्चर इज इक्वल टू 180 माइनस सम ऑफ एंगल ऑफ वेक्टर ड्रॉन टू द रेफरेंस पोल फ्रॉम अदर पोल्स प्लस सम ऑफ एंगल ऑफ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम रेफरेंस पोल फ्रॉम अदर जीरोज। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी हमारे पास ये एक सिस्टम था, एक पोल यहाँ पे कम्प्लेक्स पोल है तो इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे पोल होगा, ठीक है, ये आपके पास एक पोल है, ये आपके पास एक ज़ीरो है, ये आपके पास पोल है, ये पोल है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ज़ीरो है, ठीक है। आपने इन कम्प्लेक्स पोल्स में से किसी एक को रेफरेंस ले लेना है और उसका एंगल फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपके पास ये सिमेट्रिक है, रूट लॉ का सिमेट्रिक होता है, तो अगर मैं इसका एंगल फाइंड आउट करूंगा तो अपोजिट आपके पास दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस वाले पोल को रेफरेंस लेते हैं। अब हम कहते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर मैंने फाइंड आउट करना है, तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है, पोल से पोल वेक्टर ड्रॉ कर देना है, एक पोल से पोल ये वेक्टर है आपके पास, ठीक है, एक पोल से पोल ये वेक्टर है आपके पास, एक पोल से पोल ये वेक्टर है आपके पास, और एक पोल से पोल ये वेक्टर है आपके पास, ठीक है, ये लिखा हुआ ना, सम ऑफ एंगल ऑफ वेक्टर ड्रॉन टू रेफरेंस पोल फ्रॉम अदर पोल, ठीक हो गया। अब आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इन सब के एंगल्स फाइंड आउट कर देने हैं, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इन एंगल फाइंड आउट करूँ तो एक एंगल मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है, ऐसे मैं कहता हूँ ये ए एंगल है, ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री होता है बाई डिफ़ॉल्ट, हमेशा आपके पास 90 डिग्री होगा, ठीक है। मैं कहता हूँ ये एंगल मेरे पास क्या है, बी है, ये एंगल मेरे पास क्या है, सी है, तो मेरे पास जो एंगल ऑफ डिपार्चर होगा वो क्या आएगा, फाइव डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 90 डिग्री, ठीक हो गया। प्लस अब आपने क्या करना है, आपने इस पोल से ज़ीरो की तरफ एंगल ड्रा करने हैं, तो एक पोल से ये ज़ीरो ये आ गया, इस पोल से ज़ीरो ये आ गया, और कोई जीरो इसके अंदर मौजूद है, नहीं मौजूद, तो अब मैं क्या करूँगा, इसके वेक्टर्स इसके एंगल्स फाइंड आउट करूँगा पॉजिटिव एक्सिस के साथ, इसके पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये एक एंगल आ जाएगा, ठीक है, इसमें कहता हूँ ये ई एंगल है, एक एंगल आपके पास ये आ जाएगा, इसमें कहूँगा ये आपके पास एफ एंगल है। एंगल आपने प्रोटेक्टर को यूज़ करके करना है, ठीक है, आप प्रोटेक्टर रखेंगे तो आपके पास एंगल ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस एफ प्लस ई, ठीक है। ये जो नेट आपके पास एंगल्स आएंगे इन्हें आप 180 में से माइनस करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो एंगल आया उसको मैंने माइनस किया तो मेरे पास 5D की वैल्यू आ गई, 5D इज इक्वल टू 50 डिग्री, फॉर एग्जांपल 50 डिग्री आ गया, तो अगर इसका 50 डिग्री आया है इस पोल का, अगर इस पोल का 50 डिग्री एंगल आया है तो ऑटोमेटिकली इस पोल का कितना होगा, माइनस 50 डिग्री, क्योंकि आपके पास
पहली प्रॉपर्टी है रूट लोकस की, कि रूट लोकस इज सिमेट्रिक अबाउट द रियल एक्सिस। ठीक है, अब मेरे पास एंगल ऑफ डिपार्चर आ गया। अब मैंने इस एंगल ऑफ डिपार्चर को प्लॉट करना है, तो कैसे करूँगा, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये जो मैंने वेक्टर्स फाइंड आउट किए थे, सॉरी एंगल्स फाइंड आउट किए थे, इनको मैं रिमूव कर दिया। ठीक है, ताकि आपको ड्रॉ करने में मुश्किल ना आए। ठीक हो गया, यहाँ तक आपके पास एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट हो गया। अब इस 50 डिग्री को प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सिस बना देते हैं इस पोल के ऊपर। सॉरी, इससे बना देते हैं, लेट मी, हम इसको ये एक्सिस बना दिए। अब हम लोग ने प्रोटेक्टर रखना है इस पोल के ऊपर, प्रोटेक्टर 0 रखना है और इस 50 डिग्री को ड्रा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये 50 डिग्री ये एंगल बन गया। अब जो मेरे पास एसिम्प्टोट्स होंगे वो बताएंगे कि ये किस एंगल से, ये किस डायरेक्शन से यहाँ से मूव करेगा। तो ये आपके पास जो एंगल होगा, ये बेसिकली क्या होगा, फाई डी एंगल ऑफ डिपार्चर। सेम एज अ केस हेयर, अगर आपके पास यहाँ पे एंगल ऑफ अराइवल आ जाता है, एंगल ऑफ अराइवल के केस में कि अब देखें, ये एरो जो आपके पास है, ये वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास ये पोल यहाँ से अपनी पोजीशन को लीव कर रहा है, इसलिए हमने इसको कहा कि आपके पास क्या है, बेसिकली एंगल ऑफ डिपार्चर। ठीक है, अब एंगल ऑफ अराइवल के केस में क्या होगा, सारा प्रोसीजर आपके पास सेम होगा। ठीक है, प्रोसीजर आपके पास वही होगा, सिर्फ यहाँ पे आपके पास जो रेफरेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। फाई ए एंगल ऑफ अराइवल इज इक्वल टू 180, एंगल ऑफ अराइवल इज इक्वल 180 माइनस सम ऑफ एंगल ऑफ वेक्टर ड्रॉन ऑफ रेफरेंस 0 फ्रॉम अदर 0 प्लस सम ऑफ एंगल ऑफ वेक्टर ड्रॉन टू रेफरेंस 0 फ्रॉम अदर पोल्स। अब इस केस में भी अगर मैं सेम एग्जांपल लूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि जी ये मेरे पास एक सिचुएशन है जहाँ पे 0 है आपके पास, ये पोल है आपके पास, ये 0 है आपके पास, ये पोल है, ये पोल है, ये कम्प्लेक्स 0s हैं आपके पास। और फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये, चले इस केस में नहीं कहते, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके पास दोनों सिचुएशंस आ जाएं। और जब आपके पास कम्प्लेक्स पोल्स और कम्प्लेक्स जीरोज दोनों आएंगे, तो उसकी सूरत में आपके पास दोनों एंगल ऑफ डिपार्चर भी एग्जिस्ट कर रहा होगा और एंगल ऑफ अराइवल भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। लेकिन अभी हम फिलहाल सिंपल केस में देखते हैं कि आपके पास सिंपल जीरोज हैं। तो पहले स्टेप पे आपने क्या करना है, आपने वेक्टर ड्रा करना है 0 से 0 के दरम्यान। एक वेक्टर आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, दूसरा वेक्टर आपके पास ये आ जाएगा, और तीसरा वेक्टर आपके पास ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनके एंगल्स फाइंड आउट करना है यूजिंग प्रोटेक्टर। ये आपके पास बाई डिफॉल्ट 90 डिग्री होगा। ये करने के बाद दूसरे स्टेप में आपने इसी 0 से बाकी पोल्स के दरमियान वेक्टर ड्रा कर देना है ये, और इनके एंगल्स फाइंड आउट कर लेने हैं। ठीक है, सेम उसी तरह इस रिलेशन में जब आप इनको पुट करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एंगल आ जाता है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री आ गया, तो मैं इस चीज़ को रिमूव कर दूंगा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और यहाँ पे मैं क्या बनाता हूँ, एक्सिस बना देता हूँ। अब 45 का एंगल है, तो 45 एंगल प्रोटेक्टर यहाँ पे 0 पे रखेंगे, तो ये 45 का एंगल है। अब इस केस में एंगल ऑफ अराइवल के केस में आपके पास एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, 0 की तरफ होगा, और ये जो एंगल होगा ये आपके पास बेसिकली फाई ए होगा, एंगल ऑफ अराइवल। तो ज़रूरी नहीं है कि हर केस में जब आप रूट लोकस ड्रा करें तो एंगल ऑफ अराइवल या एंगल ऑफ डिपार्चर निकालेंगे। ये आपके पास एंगल ऑफ अराइवल या एंगल ऑफ डिपार्चर उस सूरत में आएंगे जब आपके पास कम्प्लेक्स पोल्स या कम्प्लेक्स जीरो सिस्टम के अंदर होंगे। अगर आपके पास कम्प्लेक्स पोल्स और कम्प्लेक्स जीरो सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं है, तो आपने उस सूरत में एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल कैलकुलेट नहीं करना है। अब ये आप लोगों को भी डिपेंड करता है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, तो उसमें आप लोगों ने देखना है कि कौन कौन सी चीज़ आपकी रिक्वायर्ड है और कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। जो रिक्वायरमेंट है आपकी, आपने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को फाइंड आउट करना है। रूल नंबर नाइन आपके पास क्या है, रूल नंबर 9 कहता है आपने फाइंड आउट करना है ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन पॉइंट्स ऑन द रियल एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ब्रेक अवे पॉइंट क्या होता है और ब्रेक इन पॉइंट क्या होता है। रूट लोकस मैंने आपसे स्टार्ट में कहा कि आपके जो पोल्स हैं वो अपने जीरोज़ को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये एक रियल एक्सिस है, ठीक है, एस एस प्लेन है, यहाँ पे मेरे पास एक पोल यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक पोल यहाँ पे पड़ा हुआ है और एक पोल यहाँ पे पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल। तो जब मैं रियल एक्सिस पे वो पोजीशन फाइंड आउट करूँगा कि कहाँ कहाँ रूट लोकस एग्जिस्ट करता है, तो उस सूरत में मेरे पास जो पोजीशन आएंगी वो बेसिकली आपके पास एक ये पोजीशन आएगी कि यहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आपके पास ये वो पॉइंट्स हैं ग्रीन जहाँ पे आपके पोल्स मूव कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप गेन को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, तो आपके पोल इधर उधर मूव इस पाथ के अलावा कहीं और मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ कि ये वाला पोल इधर मूव कर गया, तो ये कभी भी यहाँ पे मूव नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये रूट लोकस के अंदर शामिल
नहीं है। सेम इज़ द केस हेयर, ये जो रेड लाइन है यहाँ पे आपके ये पोल इधर नहीं आ सकता और ये पोल इधर नहीं आ सकता क्योंकि ये रूट लॉकस के अंदर शामिल नहीं है। तो इससे जो रियल एक्सिस पे आपके पास रूट लॉकस जहाँ जहाँ एग्जिस्ट करते हैं उससे हमें ये पता लगता है कि आपके पोल कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं जब आपका गेन वेरी करेगा। तो यहाँ से मैं देख के बता सकता हूँ कि ये वाला पोल सिर्फ इस तरफ मूव कर सकता है, ये वाला पोल इधर मूव कर सकता है और ये वाला पोल इधर मूव कर सकता है। अब जब आपके पास दो पोल आमने सामने आ जाएं, जो कि हमारे पास ये सिचुएशन है यहाँ पे, ये वाली सिचुएशन, ठीक है, इस सूरत में क्या होगा, जब मैं गेन इंक्रीज करूँगा तो ये पोल इधर मूव करेगा, ये पोल इधर मूव करेगा, किसी एक खास पॉइंट के ऊपर ये दोनों पोल आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। जैसे ही ये पोल आपस में कोलाइड करेंगे ये क्या होगा, रियल एक्सिस को छोड़ के चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये इस पॉइंट पर अगर इन्होंने कोलाइड किया, ठीक है, तो क्या होगा, एक पोल ऊपर की तरफ चला जाएगा, एक पोल इस तरफ निकल आएगा और इनके एरोस क्या होंगे, ये रियल एक्सिस को छोड़ के जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द रियल एक्सिस, ठीक है। इस सूरत में ये जो पॉइंट है जहाँ पे इन्होंने कोलाइड किया है, ये पॉइंट आपके पास बेसिकली ब्रेक अवे पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो याद रखें, ब्रेक अवे पॉइंट हमेशा दो पोल्स के दरमियान होगा, ठीक है। अब इसमें आपके पास जब ब्रेक अवे पॉइंट आप फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास बहुत सारी वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास वैल्यूज आई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 वैल्यूज ब्रेक अवे पॉइंट की आ गई। अब उन 10 वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू ट्रू होगी। अब वो ट्रू वैल्यू आपने कैसे सिलेक्ट करनी है, ट्रू वैल्यू से मुराद, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 2 है, ये 4 है, यहाँ पे 5 है। मैंने ब्रेक अवे पॉइंट निकाले तो मेरे पास जो ब्रेक अवे पॉइंट आए वो आए 2, 3.5, 3.5, ठीक है, 4, 5 और 6, मेरे पास ये ब्रेक अवे पॉइंट आए। अब मैंने ये देखना है कि इनमें ट्रू वैल्यूज़ कौन सी है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल रूल को देखूं ब्रेक अवे पॉइंट के, तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों पोल्स के दरमियान में जो पॉइंट होगा वो ब्रेक अवे पॉइंट होगा। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 2 जो है वो दो पोल्स के दरमियान में है, इसका मतलब ये ब्रेक अवे पॉइंट है, ठीक हो गया। अब 3.5 किधर आ रहा है, 3.5 कोई इस पॉइंट पे कहीं पे आ रहा है, यहाँ पे तो रूट लोकस एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका मतलब है ये ब्रेक अवे पॉइंट नहीं, ये फॉल्स वैल्यू है, ठीक होगी। फिर 4 आ गया, 4 पे देखो तो यहाँ तो एक ही पोल पड़ा हुआ है, ये आपस में किसके साथ कोलाइड करेगा कि रियल एक्सिस को छोड़ के जाएगा, तो इसका मतलब 4 भी वैल्यू नहीं है। 5 को अगर मैं देखूँ तो 5 ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट दो पोल्स के दरमियान तो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये भी फॉल्स वैल्यू है। सिमिलरली 6 को देखूँ तो 6 भी आपके पास दो पोल्स के दरमियान नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है, फॉल्स वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू आपके पास क्या है, ये आपके पास ट्रू वैल्यू है जिसे हमने ब्रेक अवे पॉइंट बोला है, ठीक हो गया। ये आपके पास बेसिकली ब्रेक अवे पॉइंट होता है। अब ब्रेक अवे पॉइंट अगर आपके पास 100 में बात करूँ तो 90% आपके पास ब्रेक अवे पॉइंट जो होते हैं वो रियल पार्ट होते हैं। रियल पार्ट से मुराद क्या है कि आपके पास जो वैल्यू आएगी वो सारी की सारी रियल एक्सिस के ऊपर लाइक आ रही होंगी, बाकी आपके पास, बल्कि आप ऐसे 99% आपके पास सारे के सारे रियल पार्ट होते हैं। कुछ केसेस में ऐसा है कि आपके पास ब्रेक अवे पॉइंट कम्प्लेक्स वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है, कुछ सिनेरियोज में। वो हम लोग आगे डिटेल में एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ पे आपके पास ब्रेक अवे पॉइंट कम्प्लेक्स आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास ये हमेशा रियल वैल्यू आएगी और दो पोल्स के दरमियान होगी। सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा ब्रेक अवे पॉइंट भी हो सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये सिचुएशन है, ये अगर मेरे पास रियल एक्सिस है, ठीक है, एक पोल यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक पोल यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक पोल यहाँ पे है और एक पोल यहाँ पे है। अगर मैं रियल एक्सिस पे इसकी फाइंड आउट करूँ, रीजन फाइंड आउट करूँ, तो ये रीजन है और ये रीजन है। अब देखें, जो मेरे पास ब्रेक अवे पॉइंट आएगा वो एक यहाँ का आएगा और एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो एक से ज़्यादा ब्रेक अवे पॉइंट भी आपके पास सिस्टम के अंदर हो सकते हैं। अब आते हैं ब्रेक इन पॉइंट क्या है। ब्रेक अवे बेसिकली आपके पास रियल एक्सिस को छोड़ के जा रहा है क्योंकि वो दो पोल्स के दरमियान में, अगर आपके पास दो जीरोज आ जाएं, एक जीरो ये आ गया, एक जीरो ये आ गया, अब इनका रीजन क्या है, इनका रीजन आपके पास यही बनता है, ठीक है। अगर आप वो रियल एक्सिस वाला जो आपके पास रूल था, रूल 3 या 4, उसको फॉलो करें तो आपके पास यही रीजन बनता है। तो अब क्योंकि जीरोस तो मूव नहीं करेंगे, आपके पोल्स मूव कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि इन दो जीरोस के पोल इन्फिनिटी से आएंगे। जब वो इन्फिनिटी से आएंगे तो रियल एक्सिस पे किसी एक पॉइंट के ऊपर आएंगे, ठीक है। जिस पॉइंट पे आके ये रियल एक्सिस को ज्वाइन करेंगे वो पॉइंट आपके पास क्या होगा, वो ब्रेक इन पॉइंट होगा। इस सूरत में आपके पास एरो इस डायरेक्शन में होंगे, जैसे वो ज्वाइन करेंगे एक पोल इस तरफ मूव कर जाएगा, एक पोल इस तरफ मूव कर जाएगा और अपने जीरोस को अप्रोच कर लेगा।
ये आपके पास क्या होगा, ब्रेक इन पॉइंट होगा। ब्रेक इन पॉइंट के बारे में भी वही है कि ये दो जीरोस के दरमियान में होता है, एक से ज़्यादा भी आपके पास हो सकते हैं सिस्टम के अंदर। और दूसरा, इसमें भी आपने ये देखना है कि आपकी ट्रू वैल्यू कौन सी है, उसी की बेसिस के ऊपर आपने ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ब्रेक अवे पॉइंट या ब्रेक इन पॉइंट फाइंड कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। इफ द रूट, ये आपको डेफिनेशन है कि इफ द रूट लाइज बिटवीन द टू एडजेसेंट ओपन लूप पोल्स ऑन द रियल एक्सिस देन देयर विल बी एटलीस्ट वन ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली इफ द रूट लोकस लाइज बिटवीन टू एडजेसेंट ओपन लूप जीरोज ऑन द रियल एक्सिस देन देयर विल बी एटलीस्ट वन ब्रेक इन पॉइंट। द ब्रेक अवे आर ब्रेक इन पॉइंट कैन बी डिटर्मिन फ्रॉम द रूट्स ऑफ डेल्टा के बाई डी बाई डी के बाई डी एस इज इक्वल टू जीरो। आपके पास सेम मेथड है ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट फाइंड आउट करने का। ठीक है, आपको के जो है या आपके पास जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी क्लोज लूप सिस्टम की, उसे डिफरेंशिएट करने विद रिस्पेक्ट टू एस, तो आपके पास क्या होगा, ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट आ जाएगा। तो दोनों को फाइंड आउट, ब्रेक इन और ब्रेक अवे दोनों को फाइंड आउट करने का मेथड सेम ही है। आपके पास जो वैल्यू आएगी वो अगर दो पोल्स के दरमियान में है तो वो ब्रेक अवे हो जाएगी, अगर वो दो जीरोस के दरमियान में है तो वो ब्रेक इन पॉइंट हो जाएगा। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि आपके पास ब्रेक इन या ब्रेक अवे पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है एस क्यूब प्लस सिक्स एस स्क्वेयर प्लस टेन एस प्लस के इज इक्वल टू जीरो। अब इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मैंने ब्रेक इन या ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, इस के को आपने इससे इस इक्वेशन से अलग कर लेना। के इज इक्वल टू माइनस एस क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस टेन एस। अब आपने क्या करना है, इसे डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एस। जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, डी डेल्टा के बाई डी के बाई डी एस इज इक्वल टू माइनस थ्री एस स्क्वेयर माइनस ट्वेल्व एस माइनस टेन। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब आपने कहा कि जब आप ब्रेक इन या ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो आप इस टर्म को इक्वल जीरो पुट कर दें, ये बाय डिफॉल्ट आपके पास इक्वल टू जीरो हो जाएगी क्योंकि के इज अ कांस्टेंट वैल्यू और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, थ्री एस स्क्वेयर। जब आप इसको डी के डेल्टा के आपके पास जीरो हो जाएगा तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री एस स्क्वेयर प्लस ट्वेल्व एस प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर मैं रूट्स कैलकुलेट करूँ तो आपके पास कौन कौन से रूट्स आएंगे, एक आपके पास आएगा एस वन इज इक्वल टू माइनस वन पॉइंट वन एट और दूसरा आपके पास आएगा एस टू इज इक्वल टू माइनस टू पॉइंट एट वन। ठीक है, अब ये जो दो पॉइंट्स आपके पास आए हैं बेसिकली ये आपके पास ब्रेक इन या ब्रेक अवे पॉइंट हो गए। अब इनमें से कोई एक वैल्यू ट्रू होगी या दोनों ट्रू होगी, दोनों ब्रेक अवे हो सकते हैं, दोनों ब्रेक इन हो सकते हैं, एक ब्रेक अवे एक ब्रेक इन हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके पोल्स कहाँ पे पड़े हुए हैं या ये जो पॉइंट आपके पास एस वन और एस टू की वैल्यू आई है ये दो पोल्स के दरमियान में है, दो जीरोस के दरमियान में है, कहाँ पे ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो डिसाइड करेगी कि आपके पास ये क्या है, ब्रेक अवे पॉइंट है या ब्रेक इन पॉइंट है। तो ऐसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ब्रेक इन या ब्रेक अवे पॉइंट। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उससे आपने के की वैल्यू निकाल लें, के की वैल्यू को डिफ्रेंशिएट कर दें, ऑटोमेटिकली आपके पास जीरो हो जाएगी, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हर बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, आपके पास एस क्यूब एस फोर एस फाइव भी बन सकती है, जितनी बनेगी आपके पास उतनी ही वैल्यूज़ आएंगी एस की। ठीक है, उन वैल्यूज से आप लोग डिसाइड करोगे कि आपके पास कौन कौन सी ब्रेक इन वैल्यूज़ हैं और कौन सी ब्रेक अवे या ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट्स हैं। अब हम आते हैं रूल टेन के ऊपर। ये आपके पास रूट लोकस का आखिरी रूल है, जे ओमेगा क्रॉसिंग। ठीक है, जे ओमेगा क्रॉसिंग है, द इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस विद जे ओमेगा कैन बी डिटरमिन्ड थ्रू बाउथ हार्वर्ड्स क्राइटेरिया। जे ओमेगा क्रॉसिंग से मुराद क्या है कि अगर आपके पास ये एस प्लेन है, आपके पोल्स जो ब्रेक अवे हुए थे वो किस पॉइंट से जे ओमेगा को क्रॉस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ब्रेक अवे हुए थे तो इस तरह जाएंगे, इस तरह जाएंगे, तो ये पॉइंट आपके पास कौन सा होगा, इसे हम बेसिकली कहते हैं ये आपके पास जे ओमेगा क्रॉसिंग है। अगर दो पोल्स के दरमियान था तो एरो इस तरह होगा, अगर दो जीरोस के दरमियान था तो आपके पास एरो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये जे ओमेगा क्रॉसिंग आप लोगों ने कैसे फाइंड आउट करनी है, इस रूल में हम लोग ये देखेंगे। अब हर केस में आपने जे ओमेगा क्रॉसिंग फाइंड आउट नहीं करनी। ठीक है, ये आपको एसिम्प्टोट्स बताएंगे कि आपके पास जो पोल्स हैं वो ब्रेक होने के बाद जे ओमेगा को क्रॉस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या आपके पास जो जीरोज़ हैं उनके पोल्स जे ओमेगा क्रॉसिंग करके आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये डिपेंड करता है आपकी क्वेश्चन की सैचुरेशन के ऊपर। ठीक है, वो हम लोग डिटेल में एक एग्जांपल करेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप लोगों ने चीज़ों को फाइंड आउट करना है और कौन कौन सी चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी होती हैं। जे ओमेगा क्रॉसिंग को समझने के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल हम लोग लेते हैं, प्रीवियस एग्जांपल जो हम लोगों ने ली थी।
ये हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन एस क्यू प्लस सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस टेन एस प्लस के इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसे हम राउट टेबल में पुट करते हैं। राउट टेबल में जब हम इसे पुट करेंगे तो आपके पास ये सारे का सारा राउट टेबल आ जाएगा, ठीक है। एस क्यूब है तो एस क्यूब से स्टार्ट किया, एस स्क्वेयर, एस वन, एस नॉट। अब मैं ये ज्यूम कर सकता हूँ कि आपको राउट टेबल सारा अच्छी तरह से आता होगा। अब राउट टेबल से हम लोग अगर देखें, इस रो को अगर हम लोग जीरो पुट करना चाहते हैं या हम लोग इंटायर रो को जीरो करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं के की वैल्यू को 60 पुट करूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, 6x² प्लस के, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन उस वक्त आई जब आपने के की वैल्यू को 60 पुट किया। ये के की वैल्यू को 60 क्यों पुट किया, अगर मैं यहाँ से इसकी रेंज फाइंड आउट करूँ तो इसकी रेंज आती है 0 के एंड 60, ठीक है। अगर मैं ये वैल्यू पुट करूँ तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये आपके पास यहाँ पे जब मैं पुट करूँगा तो आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, 6x² प्लस के। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कब आई, जब आपके पास के की वैल्यू क्या थी, 60 थी। तो इस इक्वेशन में जब मैं के की वैल्यू को 60 पुट करूँगा तो ये मेरे पास बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इससे जब मैं एस की वैल्यूज फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास जो एस की वैल्यू है वो आई कितनी, एस इज इक्वल टू प्लस माइनस जे 3.16। इसका मतलब है कि ये आपके पास प्लस J3 है और ये आपके पास माइनस J3.6 है। तो जब आपके पास K की वैल्यू 60 थी तो आपके पोल जे ओमेगा एक्सिस पे इस पॉइंट पे पड़े हुए थे, जो कि आपके पास वैल्यू है 3.16। तो ऐसे आप लोगों ने क्या करना है, जे ओमेगा क्रॉसिंग की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। रूट लोकस, अभी रूट लोकस क्रॉसेज द इमेजिनरी एक्सिस एट एस इज इक्वल टू 3.16 व्हेन के इज इक्वल टू 60। जे ओमेगा क्रॉसिंग आपने फाइंड आउट करनी है यूजिंग राउथ हार्वर्ट्स क्राइटेरिया। राउथ हार्वर्ट्स को पूरा टेबल सॉल्व करना है, उसकी रेंजेस फाइंड आउट करनी है। के की मैक्सिमम वैल्यू आपने पुट करनी है इस इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पे जहाँ से आपके पास के की सेकंड वैल्यू जहाँ से आती है ना, उसी इक्वेशन में आपने के की वैल्यू को 60 पुट करना है, तो उससे प्रीवियस रो आपके पास ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन उठानी है, उससे आपने एस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। मोस्टली ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्यों पुट करनी है, आप क्या भी सकते हैं ना, ये आपके पास रेंज तो ये है, ठीक है, ठीक है। हम जीरो क्यों नहीं पुट करते, हम 60 ही क्यों पुट करते हैं। तो आपको अगर स्टार्टिंग वाले रूल्स याद हों तो आपके पास जब पोल यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे आपके पास के की वैल्यू क्या थी, जीरो थी। जैसे जैसे आप के की वैल्यू को बढ़ाते गए, ये इन्होंने क्लाइड किया, क्लाइड करके रियल एक्सिस को छोड़ के चले गए, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई, ठीक है। जैसे ही आप के की वैल्यू को 60 से बढ़ाएंगे आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इक्वल टू 60 पुट करेंगे तो आपका सिस्टम क्या होगा, ऑसिलेट करने लग जाएगा। ऑसिलेट से मुराद क्या, आपके पास मार्जिनल स्टेबल हो जाएगा, और मार्जिनल स्टेबल क्या होता है, आपके पास पोल्स जी ओमेगा एक्सिस के ऊपर आ जाते हैं, और किस पॉइंट पे आते हैं, इस पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। जितने भी रूल्स हम लोगों ने देखे वो सारे के सारे हम स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि इस सिस्टम का रूट लोकस कैसा बनता है। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन विद यूनिटी फीडबैक सिस्टम, स्केच द रूट लोकस एज के वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास एक सिस्टम है, जी ऑफ एस इज इक्वल टू के डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 4 इंटू एस प्लस 5। इसका हम लोगों ने क्या करना है, रूट लोकस ड्रॉ करना है, ठीक है। यूनिटी फीडबैक से मुराद क्या होगी कि आपके पास जो एच ऑफ एस है बेसिकली इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। अब स्टेप वन, स्टेप वन में हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं जी, यहाँ से नंबर ऑफ पोल्स काउंट कर लें। ये आपके पास क्या है, 1, 2, 3। तो नंबर ऑफ पोल्स आपके पास कितने आ गए, नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितने हैं, कोई भी जीरो आपके पास मौजूद नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ ब्रांचेज जो एन, वो किसके इक्वल हो जाएंगी, नंबर ऑफ ब्रांचेज इज इक्वल टू पी विच इज इक्वल टू 3। अगर आपको रूल याद हो कि हमने कहा था अगर पोल इज ग्रेटर देन 0 देन द नंबर ऑफ ब्रांचेज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स, ठीक हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, इनको प्लॉट कर देते हैं। ये हम लोगों ने प्लॉट कर दिए, एक पोल आपके पास 0 पे आ गया, दूसरा पोल आपके पास -4 पे आ गया, तीसरा पोल आपके पास -5 पे आ गया, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इस स्टेप नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, रियल एक्सिस पे वो पॉइंट देखना है जहाँ पे आपके पास रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा उस रेंज के अंदर अंदर। तो उस रेंज के अंदर अंदर करने के लिए हम क्या करते थे, पहले सबसे राइट मोस्ट पोल के ऊपर आके खड़े हो जाते थे। जब इसके ऊपर आके खड़े होते थे, हम लोग राइट साइड पे देखते थे कि आपके पास कोई पोल या कोई जीरो पड़ा हुआ है, तो उनको काउंट करते थे। अगर इवन आर्ड आ जाए तो उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग डिसीजन लेते थे। तो अगर मैं राइट मोस्ट पे खड़ा हूँ तो इसका मतलब है कि इस तरफ मेरे पास और कोई पोल या जीरो मौजूद होगा, नहीं होगा। इसका मतलब है कि मेरे राइट साइड पे, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से राइट साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये रीजन
रूट लॉक इसके अंदर शामिल नहीं है। ठीक हो गया, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, इस पोल के ऊपर आ जाऊँगा। अब यहाँ से मैं अगर राइट साइड पे देखूँ तो मेरे पास कितने पोल्स और जीरोज मौजूद हैं, मेरे पास एक ही पोल मौजूद है, तो वन इज़ एन ऑड नंबर। तो मेरे पास क्या होगा कि इस पोल से लेके जो इमीडिएट पोल जो जीरो है वहाँ तक का रीजन मेरे पास रूट लॉक इसके अंदर शामिल होगा। ये जो मैंने येलो हाईलाइट कर दिया, इसका मतलब है कि ये मेरे पास रीजन जो है ये रूट लॉक इसके अंदर शामिल है। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में थर्ड पोल के ऊपर आ जाऊँगा, पोल हो या जीरो हो जो भी चीज़ होगी, अब मैं उसके ऊपर आके खड़ा हो जाऊँगा। अब यहाँ से मैं राइट साइड पे चेक करूँ और काउंट करूँ मेरे पास कितने पोल्स और कितने जीरोज़ हैं, नंबर ऑफ़ पोल्स और नंबर ऑफ़ जीरोज़ काउंट करूँ तो कितने, सिर्फ दो पोल्स मेरे पास पड़े हुए हैं। एंड टू इज़ एन इवन नंबर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से लेकर अगले पोल या जीरो तक जितना रीजन है वो रूट लॉक के अंदर शामिल नहीं होगा। तो देखिए इसे मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ, इसका मतलब ये पोर्शन मेरे पास रूट लॉक के अंदर शामिल नहीं है। अब मज़ीद मेरे पास कोई पोल और कोई जीरो मौजूद नहीं है, तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि मैं इन्फिनिटी पे खड़ा हूँ और यहाँ से मैं इस रियल एक्सिस को देख रहा हूँ। तो यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ तो मेरे पास कितने पोल आते हैं, वन टू थ्री, थ्री इज़ एन ऑड नंबर। तो इसका क्या मतलब हुआ, माइनस इन्फिनिटी से लेकर मेरे पास जो इमीडिएट पोल या इमीडिएट जीरो आता है वहाँ तक जितना भी रीजन है वो सारा का सारा रूट लॉक के अंदर शामिल है। तो ये देखें, ये मैंने रिजल्ट से हाईलाइट करके इन्फिनिटी तक इसे लेगा, ये सारा का सारा रीजन मेरे पास रूट लॉक के अंदर मौजूद है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये जो मेरे तीन पोल हैं ये सिर्फ इस येलो लाइन के ऊपर ही मूव कर सकते हैं, इसके अलावा ये कहीं भी रियल एक्सिस पे मूव नहीं कर सकते। ये जो मेरा पहला पोल है ये इस तरफ नहीं जा सकता, ये वाला पोल इस तरफ नहीं आ सकता और ये वाला पोल इस तरफ नहीं आ सकता। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखूँ ज़रा गौर से, तो इसे मैं लिख सकता हूँ जी कि खैर पहले पोजीशन ऑफ पोल्स भी देख लें, आपके पास पोजीशन ऑफ पोल्स क्या है, ज़ीरो माइनस फोर और माइनस फाइव मेरा पोल पड़ा हुआ है। तो रूट लॉकस एग्जिस्ट बिटवीन एस इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एस इज इक्वल टू माइनस फोर, ये देख लें एस इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस फोर के दरमियान में एंड टू द लेफ्ट ऑफ माइनस फाइव। ठीक हो गया, अब यहाँ से मैं बहुत सारी चीज़ें एनालाइज कर सकता हूँ, जिनमें नंबर वन क्या है मेरे पास, एक तो ये है कि यहाँ पे मेरे पास ब्रेक अवे पॉइंट आएगा। ठीक है, ब्रेक अवे पॉइंट क्यों आएगा कि ये देखें ये दो पोल्स हैं मेरे पास, ये दोनों आमने सामने हैं, ये दोनों जब मूव करेंगे तो ये कहीं ना कहीं पे कोलाइड करेंगे। तो इसका मतलब है मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ब्रेक अवे पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, जब हम एसिम्प्टोट कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि हमने इसका जी ओमेगा क्रॉसिंग फाइंड आउट करना है या नहीं करना। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई, हमने पोल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, पोल की पोजीशन फाइंड आउट कर ली, रियल एक्सिस के ऊपर हमने देख लिया कि आपके पास रूट लॉकस कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अब हम फाइंड आउट करते हैं एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स के लिए हमें एन की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, एन आपके पास क्या है, एन इज इक्वल टू थ्री है, क्योंकि आपके पास पोल की वैल्यूज़ के इक्वल होता है। तो आपके पास जो k होगा एसिम्प्टोट के फार्मूले के अंदर उसकी वैल्यूज क्या होंगी, 0, 1 एंड 2। तो ये आपके पास बेसिकली एसिम्प्टोट का रिलेशन है, 2k प्लस 1 इनटू 180 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरो। ये k की वैल्यू क्या है आपके पास, 0, 1 एंड 2। तो जब आपके पास k की वैल्यू 0 थी, ठीक है, तो आपके पास जो एंगल आया वो कितना आया, 60 डिग्री आया। फिर जब आपके पास k की वैल्यू 1 हुई तो एंगल आपके पास कितना आया, 180 डिग्री आया। ठीक है, फिर जब आपने k की वैल्यू को 2 पुट किया तो आपके पास एंगल कितना आया, 300 आया। इट मीन्स कि आपके पास ये वैल्यूज़ इस फार्मूले से आई ना, k की वैल्यू को आप वेरी करते रहे, आपके पास तीन वैल्यूज़ आ गई। क्योंकि मेरे पास k की तीन ही वैल्यू है, तो इसका मतलब मेरे पास एसिम्प्टोट्स कितने आएंगे, तीन ही एसिम्प्टोट्स आएंगे। अब आपने क्या करना है, इन एसिम्प्टोट्स को ड्रॉ करना है। तो इन एसिम्प्टोट्स को आपने कहाँ से ड्रा करना है वो हमें बताएगा सेंटर ऑफ एसिम्प्टोट्स। ठीक है, तो सेंटर ऑफ एसिम्प्टोट का रिलेशन क्या है, सिग्मा ए इज इक्वल टू सम ऑफ पोजीशन ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ पोजीशन ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ पोजीशन ऑफ पोल्स, हमारे पास पोल्स की पोजीशन तो मौजूद है, जीरो हमारे पास है ही नहीं, तो इसमें हम क्या करते हैं, पोल्स की पोजीशन को ऐड करते हैं। एक जीरो पे पड़ा हुआ है, एक माइनस फोर पे पड़ा हुआ है, एक माइनस फाइव पे पड़ा हुआ है। इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस नाइन डिवाइडेड बाय थ्री। ठीक है, तो आपके पास जो पॉइंट आया रियल एक्सिस के ऊपर वो आया माइनस थ्री। तो अब आपने क्या करना है, अपने प्रोटेक्टर को माइनस थ्री पे रखना है। ठीक है, जो आपके पास रियल एक्सिस होगा सिग्मा वाली ब्रांच, मींस ये आपके पास जो रियल एक्सिस है यहाँ पे अगर ये माइनस थ्री है तो आपने क्या करना है, अपना प्रोटेक्टर इस माइनस थ्री के ऊपर रखना है, यहाँ पे उसका जीरो आना चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्टर का, और एक एंगल ड्रा करना है 60 डिग्री का, दूसरा एंगल ड्रा करना है आपने 300 डिग्री का,
और तीसरा तो बाय डिफॉल्ट आपको पता ही है कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आपने इस तरह से ये सारे के सारे एंगल प्लॉट करने हैं। ये अब आपके पास क्या है, वही एंगल से अब इनको हम प्लॉट करते हैं। ये माइनस थ्री आपके पास, ये पॉइंट जो है ये आपके पास बेसिकली क्या है, माइनस थ्री है, जहाँ से आपके पास एसिम्प्टोट ड्रा करने हैं। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिए, इसके एसिम्प्टोट्स ड्रा कर दिए। ये आपके पास 60 डिग्री एंगल है, ये आपके पास 180 डिग्री है, और ये आपके पास 300 डिग्री है। ठीक है, तो ये 60, 100, 80, 300 हमने प्लॉट कर दिया। कहाँ से, माइनस थ्री से। माइनस थ्री आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ एसिम्प्टोट है। तो एसिम्प्टोट के ऊपर आपका प्रोटेक्टर का जीरो होगा और आप यहाँ से इस तरह एंगल्स ड्रा करेंगे। ठीक हो गया। अब हम करते हैं फाइंड ब्रेक अवे पॉइंट। क्योंकि आपके पास क्लोज लूप सिस्टम था, तो क्लोज लूप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू जीरो। आपके पास एच ऑफ एस की वैल्यू वन थी, तो हमने जी ऑफ एस और एच ऑफ एस की वैल्यूज को पुट कर दिया और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने जो ट्रांसफर फंक्शन आपके पास आता था करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, तो ट्रांसफर फंक्शन की जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती थी वो लिखी एस क्यू प्लस 9s² प्लस 20s प्लस के इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ से उसी तरह हम लोग ने क्या किया, के को अलग कर लिया, इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई -3s² -18s -20। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आई वो आई 3s² प्लस 18s प्लस 20 इज इक्वल टू जीरो। अब ये आपके पास क्या है, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, s1 इज इक्वल टू -1.5 एंड s2 इज इक्वल टू -4.5। अब अगर मैं अपने देखूं एस प्लेन को देखूं, ठीक है, तो एस प्लेन में आपके पास क्या था, एक पोल आपके पास जीरो पे पड़ा हुआ था, ठीक है, दूसरा पोल आपका -4 पे था और तीसरा पोल आपका -5 के ऊपर था। अब अगर मैं रीजन्स को देखूं तो मेरे पास ये रीजन था जिसके अंदर मेरा पोल मूव कर सकता था, इसके अलावा पोल मूव नहीं कर सकता। ये वो पॉइंट है जहाँ पे पोल मूव कर सकता है, इसके अलावा पोल मूव नहीं कर सकता। तो अब इन दो पॉइंट्स में ये देखना है कि ये ब्रेक अवे पॉइंट है या ये ब्रेक अवे पॉइंट है। तो अगर मैं 1.5 को देखूं तो 1.5 कहीं पे इस पॉइंट पे होगा, ऐसा ही है, और मैं -4.5 को देखूं तो -4.5 यहाँ पे होगा, ऐसा ही है। अब -4.5 तो उस रीजन में नहीं है जो रूट लोकस में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू मेरे पास ब्रेक अवे पॉइंट नहीं है। ये जो वैल्यू मेरे पास है -1.5, ये यहाँ पे है, तो ये दो पोल्स के दरमियान में भी आ रही है और उस रीजन में भी आ रही है जहाँ रूट लोकस एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है ये वैल्यू जो S1 है, बेसिकली ये मेरे पास क्या है, ब्रेक अवे पॉइंट है। ठीक है, सिंस -4 एंड -5 इज नॉट इन द सेगमेंट ऑफ द रूट लोकस, सो देयरफॉर वी कंसीडर -1.5 एज अ ब्रेक अवे पॉइंट। अब अगर मैं अपने एक्सिस को देखूँ, ये मेरे पास रियल एक्सिस है, ठीक है, ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है, ये तीसरा पोल है, ये पॉइंट मेरे पास क्या है, ब्रेक अवे पॉइंट है। यहाँ से मैंने एसिम्प्टोट्स ड्रा किए हुए हैं, ये मेरे पास एसिम्प्टोट्स हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज करूँ तो यहाँ पे ये जब पोल दो क्लाइड करेंगे, ये रियल एक्सिस को छोड़ के जाएंगे, आगे से इनको ये एसिम्प्टोट्स बताएंगे कि आपने इस तरफ जाना है, इस पोल को ये एसिम्प्टोट बताएगा कि आपने इस तरफ जाना है। तो इसका मतलब है कि ये किसी एक पॉइंट पे जे ओमेगा को क्रॉस करेंगे। जब जे ओमेगा क्रॉस करेंगे तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने जे ओमेगा क्रॉसिंग भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर ये एसिम्प्टोट्स मेरे पास जो थे, फॉर एग्जांपल अगर ये एसिम्प्टोट इस तरह से बनते, ठीक है, इनके एंगल इस तरह से आते कि ये एसिम्प्टोट मेरे पास यू बनता, ब्रेक अवे पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आता, ठीक है, सॉरी मैंने पोल बना दिया, ब्रेक अवे पॉइंट मेरा इस पॉइंट पे कहीं पे आता, ठीक है, ब्रेक अवे पॉइंट मेरा अगर इस पॉइंट पे कहीं पे आता तो फिर क्या होता, ये पोल यहाँ पे कोलाइड करते, एक पोल इस तरफ चला जाता और एक पोल इस तरफ चला जाता। तो अब जे ओमेगा को ये क्रॉस कर सकते हैं, ये किसी भी सूरत में जे ओमेगा को क्रॉस नहीं कर सकते। तो इस सूरत में मुझे इस क्वेश्चन के अंदर जे ओमेगा क्रॉसिंग फाइंड आउट ना करनी पड़ती, लेकिन मेरे पोल्स जो हैं वो जे ओमेगा को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पे जे ओमेगा क्रॉसिंग भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जे ओमेगा क्रॉसिंग के लिए हमें वही क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए जो प्रीवियस केस में हम लोगों ने ब्रेक इन और ब्रेक अवे को फाइंड आउट करने के लिए फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो ये आपके पास वो वैल्यू आ गई, s³ + 9s² + 20s + k = 0। अब जे ओमेगा क्रॉसिंग फाइंड आउट करने के लिए हमें राउट टेबल की मदद की जरूरत होती है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, राउट टेबल जनरेट कर लेंगे। जब आपके पास राउट टेबल आ गया तो यहाँ से हम अगर के की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो रेंज ऑफ के क्या आती है, 0 और 180 के दरमियान। अब क्योंकि हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए होती है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के हमें के की वैल्यू को 180 पुट करना होगा इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, इस टाइम इस टेबल में इस पॉइंट पे।
तो आप जब इसको 180 पुट करोगे तो आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी, 9s² प्लस k इज इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू क्या है, 180 है, तो मैं यहाँ पे k की वैल्यू को 180 पुट कर दूंगा। तो ये आपके पास स्क्वेयर टर्म है, इसका मतलब है एस की आपके पास दो वैल्यूज आएंगी। जब आपके पास एस की दो वैल्यूज आई तो आपके पास क्या आ गया, एस इज इक्वल टू प्लस माइनस जे 4.5। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ना करें, ये मेरे ख्याल में गलत हो गया, ये चीज़ नहीं है। ठीक है, जब आप इसके लिए एस की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास एस इज इक्वल टू प्लस माइनस जे 4.5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो पोल है वो प्लस जे 4.5 और माइनस जे 4.5 से गुजर के जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर मेरे पास पॉइंट है, ये मेरे पास जे 4.5 है और ये मेरे पास माइनस जे 4.5 है, ये रियल एक्सिस है। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये पोल आएंगे तो एक पोल यहाँ से जाएगा, दूसरा पोल यहाँ से गुजर के जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली क्या आ गई, जे ओमेगा क्रॉसिंग आ गई। अब अगर आपने देखें तो जब आपके पास के की वैल्यू 180 होगी तो आपका जो पोल होगा वो रियल एक्सिस, सॉरी इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर होगा, ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ पे पड़ा हुआ होगा, उस टाइम पे आपका सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा और सिस्टम आपका ऑसिलेट कर रहा होगा। ठीक है, ऑसिलेट करेगा तो किसी एक फ्रीक्वेंसी के साथ करेगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, मैंने देखें, वन के इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, वन के इज इक्वल टू 180, सिस्टम पोल इज ऑन इमेजिनरी एक्सिस एंड सिस्टम विल ऑसिलेट विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब हमें पता है कि आपके पास एस जो है वो किसके इक्वल होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूँ इसके साथ, ठीक है, इसमें इस तरह लिख सकता हूँ ना कि सिग्मा प्लस जे ओमेगा इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस जे 4.5। अब फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो इसलिए हम लोग माइनस साइन को रिमूव कर देते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू 0 है, ये तो गया, काम खत्म हो गया, ये जे इस जे से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 4.5 हर्ट्ज रेडियन पर सेकंड, जो भी यूनिट है आपके पास। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, इस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर ली। ठीक हो गया, अब हम अगर मज़ीद देखें तो हमने मज़ीद और कोई चीज़ फाइंड आउट नहीं करनी, तो इन सारी चीज़ों की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपने रूट लोकस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या है, आपके पास एक पोल यहाँ से आया, ठीक है, ये ज़ीरो वाला पोल यहाँ से आया, इस पॉइंट से होता हुआ ये इन्फिनिटी की तरफ चला गया, क्योंकि आपके पास तीन फाइनाइट पोल्स हैं, इनके तीन इनफाइनाइट जीरोस इन्फिनिटी पे पड़े हुए हैं। ये पोल यहाँ से आया और यहाँ से होके कोलाइड करके यहाँ से निकल गया। ठीक है, ये जो आपके पास पोल है ये आपके पास रियल एक्सिस को फॉलो करता हुआ इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। अब जब के की वैल्यू 0 थी तो ये आपके पास अपनी पोजीशन पे बैठे हुए थे, जब आपके पास के की वैल्यू 0 और 180 के दरमियान थी तो ये यहाँ पे इन एक्सिस पे मूव कर रहे थे। ठीक है, जैसे ही आपके पास के की वैल्यू 180 हुई तो सिस्टम आपको मार्जिनली स्टेबल होकर इस पॉइंट पे आ गया, और जैसे ही आप के की वैल्यू को 180 से ग्रेटर करेंगे तो ये क्या होगा, सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास ओवरऑल टोटल जो आपके पास रूट लोकस बना वो ये बन गया। ठीक है, अब आपने ये जो रूट लोकस है ये बेसिकली ड्रा करना होता है ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, जब आप ग्राफ पेपर के ऊपर करेंगे तो आपके पास एंगल्स भी एक्यूरेट कैलकुलेट होंगे, आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो भी एक्यूरेट होंगी। इसको रूट लोकस को आपने फ्री हैंड से बनाना है। ठीक है, फ्री हैंड से, क्योंकि ये आपके पास क्या कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये ना हो कि आप लोग कहें जी यहाँ पे ये दो पोल है, ब्रेक किया यूं गए और यूं जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से नहीं बनाना, फ्री हैंड में आप लोगों ने इसको ड्रा करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, सिस्टम के पोल्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जब आप सिस्टम के गेन को वेरी करते हैं। ये -3 आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ एसिम्प्टोट है। ये -1.5 आपके पास क्या है, ब्रेक अवे पॉइंट है, दोनों पोल यहाँ पे कंबाइन हुए, यहाँ पे कोलाइड हुए और यहाँ से इन्होंने रियल एक्सिस को छोड़ के दिया। ये आपके पास पॉइंट जो है, ये आपके पास क्या है, जे 4.5 है, यानी जे ओमेगा क्रॉसिंग आपके पास आ गई। ठीक है, तो ये सारा का सारा आप लोगों ने शो करना है किसके अंदर, रूट लोकस के अंदर। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, ओवरऑल सिस्टम का रूट लोकस है, सिंपलेस्ट का। जरा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ कम्प्लेक्स एग्जांपल्स जिनमें आपके पास कम्प्लेक्स जीरोज और कम्प्लेक्स पोल्स भी होंगे, उनमें हमें एंगल ऑफ डिपार्चर भी निकालेंगे। अब इस एग्जांपल में आपने देखा ना कि आपके पास कोई कम्प्लेक्स पोल या कम्प्लेक्स जीरो मौजूद नहीं था, तो इसमें हम लोगों ने एंगल ऑफ डिपार्चर या एंगल ऑफ अराइवल कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये चीज़ आपने थोड़ा सा गौर करना है कि जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो उस चीज़ को कैलकुलेट नहीं करना, वो आपने जस्ट अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे आप उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, ये था जी आपका आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मज़ीद इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन हुआ तो वो हम लोग ऑनलाइन सेशन के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।